रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे फ़ारसी का शरबत, जो बाज़ार में मिलने वाले फ़ारसी से कई गुना जायकेदार होता है। आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। फ़ारसा ले लें, इसे अच्छी तरह से दो दफ़ा धो लें, खुले बर्तन में धोएं इसको। सादा पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। चीनी शामिल कर देंगे, चीनी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये तुर्श होता है। काला नमक इसकी जान है, अब इसमें काला नमक ज़रूर शामिल करेंगे। अगर आप कमर्शियल तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लाल शरबत शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप शामिल करना चाहें तो कर लें, वरना इसी तरह बनाएंगे। मैं तो इसे ऐसे ही बनाऊंगी। हम बाज़ार से जो फ़ारसी का शरबत लेते हैं उसमें लाल शरबत इस्तेमाल होता है या फिर फूड कलर, रेड कलर का इस्तेमाल होता है उसके रंग को रेड करने के लिए, ज़्यादा लाल करने के लिए। इनर की मदद से इसे छान लेंगे। देखिए, मैंने इसमें लाल कलर शामिल नहीं किया, ये फ़ारसी का अपना कलर है। इस तरह से आप घर में बनाएं, चीज़ें साफ़ सुथरी और कम पैसों में तैयार होती हैं। ये हमें नहीं चाहिए, ये बाद में हम गिरा देंगे। ये देखिए, फ़ारसी का शरबत हो चुका है तैयार, बाज़ार से कहीं अच्छा, जायकेदार और बहुत कम पैसों में तैयार, और ख़ास तौर पर साफ़ सुथरा, बगैर किसी डस्ट के। इन्जॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।